वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। स्वागत है एक बार से आपका अपने ही चैनल बीपी स्मार्ट एजुकेशन के अंदर। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के अंदर यूनिट नंबर 6, जिसमें हमने इम्यूनो सिस्टम है वो स्टार्ट कर रखा है। आज है वो हम पढ़ने वाले हैं जो इम्यूनो सिस्टम है, इसके अंदर एक्वायर्ड इम्यूनो सिस्टम है। इसके अंदर बी सेल और टी सेल के द्वारा दो प्रकार के सिस्टम हैं वो चलाए जाते हैं। ये सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एक होता है CMIS यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, दूसरा है AMIS यानी कि एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम। ये जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम है इसको HMIS यानी कि ह्यूमन मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम है वो भी इसको कहा जाता है। जो अगर हम बात करें कि CMIS यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम के बारे में, तो इसके अंदर क्या होगा कि जब कोई एंटीजन है वो बॉडी में प्रवेश करेगा यानी कि टी सेल के संपर्क में आएगा, उससे कनेक्ट करेगा, तो जो टी सेल का जो स्पेशल ग्रुप है वो हेल्पर सेल को क्या कर देगा, वो हेल्पर सेल को है वो एक्टिव करेगा। यानी सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं CMIS यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम। जब कोई एंटीजन है वो टी सेल के संपर्क में आएगा तो टी जो हेल्पर सेल है उसको एक्टिव कर देगा। जो टी से हेल्पर सेल है वो किसको एक्टिव कर देगी? ये एक्टिव करेगी टी साइटोटॉक्सिक सेल को, ये एक्टिव है वो कर देगी। फिर जो टी साइटोटॉक्सिक जो सेल होगी वो क्या करेगी, जो इन्फेक्टेड जो सेल है इसके ऊपर आक्रमण करेगी। जब आक्रमण है वो हो जाएगा तो क्या होगा कि जो एंटीजन के ऊपर आक्रमण हुआ, जिसके कारण जो एंटीजन होगा वो अपनी लाइफ साइकिल है वो पूरी नहीं कर पाता है और इसका जो नंबर इंक्रीज है वो नहीं हो पाएगा। यानी कि अब तक है वो हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि जो टी हेल्पर सेल थी वो एक्टिव किसको करती है, टी साइटोटॉक्सिक सेल को। फिर जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो अटैक करेगी इन्फेक्टेड सेल पर, जिसके कारण जो एंटीजन की जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और उसका नंबर है वो इंक्रीज नहीं हो पाएगा। फिर हमने देखा कि जो इन्फेक्टेड सेल है इसके अंदर क्या हो जाता है, यानी टी साइटोटॉक्सिक सेल इन्फेक्टेड सेल्स यानी कि इसके अंदर क्या कर देती है, पोर्स कर देती है यानी कि छिद्र बना देती है। किसकी सहायता से बनाती है? प्रोटीन परफोरिन की सहायता से इसके ऊपर क्या कर देती है, छिद्र बना देती है। फिर क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सेल है इसके अंदर पोर हो जाते हैं और इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण जो सेल्स होती है वो फूल कर क्या होती है, वो फट जाती है। फिर जो बाहर निकला जो एंटीजन है वो क्या होगा, सी साइटोटॉक्सिक सेल को क्या कर देगा, किल कर देगा यानी इसको मार देगा। बाहर निकला जो एंटीजन है वो क्या करेगा, सी साइटोटॉक्सिक सेल को क्या कर देगा, किल कर देगा। और इसके कारण ही इन्फेक्टेड सेल है वो कई बार है वो नष्ट हो जाती है। और टी किलर सेल भी है वो इसको कहते हैं, यानी कि कौन सी सेल्स को, जो इन्फेक्टेड सेल है उसको टी किलर सेल्स भी है वो कहते हैं। यानी कि पूरी जो प्रोसेस है CMIS यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, जब कोई जो बॉडी के अंदर जो टी सेल है वो क्या करेगी, सबसे पहले हेल्पर सेल को है वो एक्टिव करेगी। जो हेल्पर सेल है वो एक्टिव करेगी टी साइटोटॉक्सिक सेल को। फिर जो टी साइटोटॉक्सिक सेल है वो आक्रमण करेगी किसके ऊपर, इंटेक्टेड सेल के ऊपर है वो आक्रमण करेगी। फिर जो इंटेक्टेड जो सेल है इसके कारण ही है वो एंटीजन की लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी और इनका नंबर है वो इंक्रीज नहीं होगा। फिर जो टी साइटोटॉक्सिक सेल होगी वो इन्फेक्टेड
सेल है इसके ऊपर है वो पोर्स बना देती है, और पोर्स बनाती किसकी सहायता से है, प्रोटीन परफोरिन की सहायता से है वो बनाती है। फिर क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सेल है इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड है वो कलेक्ट हो जाते हैं, और जो सेल्स होती है वो फूल कर क्या होगी, ये फट जाएगी, और जो बाहर निकला जो एंटीजन है यानी कि जब ये फटेगी तो बाहर तो एंटीजन निकलेगा, और ये जो बाहर निकला जो एंटीजन है वो सी साइटोटॉक्सिक सेल को क्या कर देगा, ये किल करेगा, और फिर जो ये इन्फेक्टेड सेल है वो कई बार है वो नष्ट होती जाएगी, और टी सेल है वो जो हमारा जो बॉडी से है हमारी बॉडी है वो एंटीजन से सुरक्षित है वो रह पाएगी, और जो इन्फेक्टेड सेल है इसको टी किलर सेल भी है वो भी कहते हैं। ये था CMIS, और इसका जो यूज है वो किया जाता है कैंसर के अंदर, टीबी के अंदर, हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर और किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर है वो इसका है वो किया जाता है। अगला है हमारे पास HMIS, या फिर इसको कह सकते हैं AMIS, यानी कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम, या फिर हम कह सकते हैं HMIS यानी कि ह्यूमन मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम। इसके अंदर है वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन है, वो उत्तरदायी है बी सेल उत्तरदायी है। जब कोई एंटीजन बॉडी में इंटर करेगा तो सबसे पहले जो बी सेल है वो संपर्क में आएगा, और जो बी सेल है वो स्पेसिफिक टाइप का क्या करेगी, ग्लाइकोप्रोटीन का है वो स्राव करेगी, यानी कि सबसे पहले जब कोई एंटीजन है वो प्रवेश करेगा तो बी सेल के संपर्क में आएगा, जब ये बी सेल के संपर्क में आता है तो ग्लाइकोप्रोटीन का है वो स्राव होता है। फिर क्या होता है कि ये जो ब्लड में के अंदर जो लिम्फ और ब्लड में जो प्लाज्मा मूवमेंट करके पैथोजन को डायरेक्टली किल करता है, सबसे पहले ग्लाइकोप्रोटीन का स्राव होगा, फिर जो प्लाज्मा मूवमेंट करके पैथोजन को डायरेक्ट क्या करेगा, ये किल करेगा। फिर क्या होगा कि ग्लाइकोप्रोटीन ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अपने को रक्षा प्रदान करते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन IG है वो इसको कहा जाता है। यह प्रोटीन हमेशा लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में ही रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं ह्यूमरल इम्यूनो सिस्टम है वो इसको कहा जाता है। फिर जो स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप की जो एंटीबॉडी है इसका निर्माण है वो इसके अंदर है वो हो जाता है। एक बार वापस से है वो हम रिवाइज करते हैं कि जो HMIS है वो इसके लिए उत्तरदायी कौन है, वो है बी सेल। जब कोई एंटीजन बॉडी में है वो प्रवेश करेगा तो बी सेल है उसकी संपर्क में आएगी और ग्लाइकोप्रोटीन है उसका स्राव करेगी। फिर जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो ब्लड लिम्फ और प्लाज्मा मूवमेंट करके क्या करेगा, पैथोजन यानी कि इसको डायरेक्ट रूप से है वो किल कर देगा। अब ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या करेगी, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन को है अपने को रक्षा प्रदान करेगी, और इसको क्या कहेंगे, इस कारण IG है वो इसको कहेंगे, यानी कि इम्यूनोग्लोबुलिन है वो इसको कहा जाएगा। फिर क्या होगा कि ये जो प्रोटीन है वो लिम्फ और जो टिश्यू फ्लूइड के अंदर है वो रहता है, और इसको क्या कहते हैं फिर ह्यूमरल इम्यूनो सिस्टम है वो इसको कहा जाता है। जो स्पेसिफिक टाइप का जो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक टाइप की जो एंटीबॉडी है वो तैयार की जाती है, और फिर है जो आगे की चर्चा है वो हम करने वाले हैं कल। तो इसके अंदर कल हम करने वाले हैं जो स्ट्रक्चर, जो ग्लोबुलिन की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो ग्लोबुलिन है इम्यूनोग्लोबुलिन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में है वो हम पढ़ने वाले हैं कल। और आप लोगों को तो पता ही है कि जो फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो जारी कर दी गई है, इसकी विज्ञप्ति है वो जारी हो गई।
5-11 से है वो इसके फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे और अब है वो हमारे पास है वो बहुत ही कम समय है वो बचा है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें जल्दी जल्दी है वो सिलेबस को है वो कंप्लीट करना है और एक बार से है वो हम अब वापस से है यूनिट नंबर 1 से है वो शुरुआत करेंगे एडजस्ट लेवल से। और आपको दीपावली के बाद है वो डेली वीडियो है वो आपको मिलेंगे इसके अंदर। और आपको है ये भी ध्यान रखना है कि हर क्लास को है वो डेली लेना है और फिर इसके साथ साथ ही है वो हम ट्यूशन भी है वो आप लोगों के सामने है वो लेकर आएंगे हर यूनिट से संबंधित सभी क्वेश्चंस। एंड जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस क्वेश्चन के पैटर्न के आधार पर है वो होंगे। तो अब आगे की चर्चा है वो हम करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।